ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 25 मई 2022, मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पंजाब में सरकारी नौकरी के लिए पंजाबी अनिवार्य, पंजाबी योग्यता टेस्ट में 50% अंक जरूरी, सीएम मान बोले पंजाबियत सबसे पहले। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी, सिब्बल ने सपा के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, बोले 16 मई को ही पार्टी छोड़ चुका। अमेरिका के स्कूल में फायरिंग, 18 साल के स्टूडेंट ने पहले गोली दादी को मारी, फिर स्कूल पहुंचकर 19 बच्चों समेत 21 की जान ले ली। महाराष्ट्र में रेलवे पुलिस ने महज 8 घंटे में सुलझा लिया माहिम स्टेशन पर ट्रैक के पास मिले महिला के शव की गुत्थी को। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए की एक अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 19 मई को अदालत ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामलों में दोषी करार दिया था, लेकिन सजा सुनाने के लिए 25 मई का दिन तय किया गया था। यासीन मलिक के वकील उमेश शर्मा ने बताया कि दो अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा मिली है। इसके अलावा 10 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, सभी सजाएं साथ में चलेंगी। इसके अलावा यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, उन्हें अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है। वो आगे अपील कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सजा को लेकर होगी, दोषी सिद्ध होने को लेकर नहीं। यूपीए की धारा 17 और 121 के तहत उम्र कैद, धारा 120 बी के तहत 10 साल की सजा और धारा 121 ए के तहत सश्रम कैद की सजा दी गई है। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर यूपीए की धारा के तहत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने से लेकर उन गतिविधियों के लिए धन जुटाने का आरोप लगा है। उस पर आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने का आरोप लगा है। इसके अलावा यासीन मलिक पर भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश, देशद्रोह समेत हिंसा के कई मामले में आरोप दर्ज है। उन्होंने अदालत में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था। पंजाब में सरकारी नौकरी के लिए पंजाबी अनिवार्य कर दी गई है, सीएम भगवंत मान ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए पंजाबी टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, इसके टेस्ट में कम से कम 50% अंक जरूरी होंगे। मान ने कहा कि माँ बोली पंजाबी पूरी दुनिया में हमारी पहचान है, पंजाबी को हर पक्ष से प्रफुल्लित करना हमारी सरकार का मुख्य मकसद है। पंजाब सरकार का ये आदेश ग्रुप सी और डी की सरकारी भर्ती में लागू हो होगा। ग्रुप सी में क्लरिकल स्टाफ आएगा, वहीं डी में चपरासी, सफाई कर्मचारी जैसे क्लास 4 कर्मचारी आएंगे। पंजाब सरकार के इस आदेश से इन पदों पर पंजाबी मूल या फिर स्कूलों में पंजाबी पढ़ने वालों को नौकरी के ज्यादा मौके मिलेंगे। पंजाब की मान सरकार 26,754 पदों पर सरकारी भर्ती कर रही है, इस लिहाज से ये बड़ा फैसला है। इनमें से कई पदों की भर्तियां निकाली जा चुकी हैं, वहीं कई के विज्ञापन आने बाकी हैं। पंजाबियों की बजाय बाहरी लोगों को ही ये नौकरियां न मिले, इसके लिए मान सरकार ने ये कदम उठाया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए थे और अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अमेरिकी राज्य टेक्सास से मंगलवार दोपहर को दिल दहलाने वाली खबर आई। टेक्सास के यूवाल्डे में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में एक 18 वर्षीय युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 19 छात्र और 2 शिक्षक की मौत हो गई। फायरिंग में 13 बच्चे, स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हमलावर ने स्कूल में फायरिंग से पहले अपनी दादी को भी गोली मारी है, उन्हें एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस अधिकारी
अधिकारियों ने हमलावर को मारने का दावा किया है। उसकी पहचान 18 साल के साल्वाडोर रैमोस के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावर खुद भी छात्र है। शूटर ने दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को अपनी गोली का निशाना बनाया है। घटना के बाद अमेरिका में 4 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। हमलावर युवक अपना वाहन छोड़कर स्कूल में दाखिल हुआ। उसके पास एक हैंडगन और एक राइफल थी। इधर घटना के बाद स्कूल ने सभी पेरेंट्स से अपील की है कि वे अभी बच्चों को न लेने आए। स्कूल की ओर से कहा गया है कि जब तक पुलिस की टीम पूरे इलाके को सुरक्षित नहीं कर लेती है, तब तक आप लोग न आए। सभी बच्चों को स्कूल प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। महाराष्ट्र में रेलवे पुलिस ने महज 8 घंटे में सुलझा लिया माहिम स्टेशन पर ट्रैक के पास मिले महिला के शव की गुत्थी को। पश्चिमी रेलवे पुलिस के डीसीपी संदीप भाकरे के मुताबिक महिला का शव जिस बोरी से बरामद हुआ था उस पर गोरेगांव इलाके में मौजूद एक कंपनी का नाम और उसका पता लिखा था। इस सुराग के आधार पर पुलिस टीम उस पते पर पहुंची। जांच में पता चला कि एक परिवार ने लोकल पुलिस स्टेशन में महिला के मिसिंग होने की शिकायत दर्ज कराई थी। परिवार से बातचीत में पुलिस को महिला की कंपनी के हाउसकीपिंग में काम करने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस उस कंपनी में पहुंच गई। वहां कर्मचारियों से पूछताछ में आरोपी विकास खैरनार का नाम सामने आया। वो उसी कंपनी में काम करता था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब सुनिए कुछ संक्षिप्त समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5 रेलवे स्टेशनों चेन्नई, एग्मोर, रामेश्वरम, मदुरई, काठपाड़ी और कन्याकुमारी के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। आज सुबह गुवाहाटी के भेटपारा में सड़क के किनारे बने 2 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। टिहरी गढ़वाल से उत्तर काशी की ओर जा रही सड़क पर हुई कार दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। सभी शव जल गए हैं। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पे न्यूज़ रेल।